देख रहे हैं आप। और बिहार में जहरीली शराब की कहर ने नीतीश और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार जहरीली शराब त्रासदी की जांच के लिए अपनी जांच टीम भेजने का फैसला किया है। हालांकि एनएचओआरसी ने मरने वालों के जो आंकड़े बताए हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो आंकड़े हम आपको भी बताएंगे, हमारे साथ खबरों में बने रहे, आपको धीरे धीरे हम सारी रिपोर्ट देंगे कि आखिर किस तरीके से बिहार में शराब की वजह कर मौतें हुई है, मौत का वो पूरा आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे। दरअसल एनएचओआरसी अधिकारियों ने बताया कि बिहार के दो जिलों में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 8 और लोगों की मौत हो गई है। देखिए ये 8 नहीं, नया आंकड़ा। अधिकारी ने कहा कि सारण से सटे सिवान जिले में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बेगूसराय में 2 अन्य लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि अपुष्ट खबरों में दावा किया जा रहा है कि सारण जिले में अवैध रूप से बनी देशी शराब पीने से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए ये जो मौत का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वो बहुत बड़ा आंकड़ा है, 60 लोगों की मौत, वो भी कैसे, शराब पीने से। और आप ये भी जान लीजिए कि शराब पीने से मौत कहां हुई, उस जगह पे जहां पे शराब बंद है, शराब बंदी है। बिहार में ये हादसा हुआ है जहां पर शराब बंदी है। हालांकि अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या 30 बताई है। बिहार जहरीली शराब त्रासदी में और अधिक मौतों के बारे में अन्य जिलों में फैल रही मीडिया रिपोर्टों के मद्देनजर एनएचआरसी ने कहा कि उसने ऑन स्पॉट जांच के लिए अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में जांच टीम को भेजने का फैसला किया है, ताकि वो जाए और वहां पर जाकर जांच करे और सभी को पता चले कि आखिर सही आंकड़ा, सही रिकॉर्ड, सही रिपोर्ट है क्या। आयोग ने एक बयान में कहा कि कमीशन जानना चाहती है कि पीड़ितों को कहां और किस तरह का इलाज मुहैया कराया जा रहा है। देखिए ये बात जानना तो जरूरी है ही, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी जानना जरूरी है कि आखिर जहां पर शराब बंदी है वहां पर शराब आ कहां से रहे। खैर, आयोग के अनुसार उनमें से ज्यादातर गरीब परिवार है, वैसे साहब गरीब ही मरते हैं और शायद निजी अस्पतालों में महंगा इलाज नहीं करा सकते हैं, ये आयोग का कहना है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जहां कहीं भी उपलब्ध हो उन्हें सर्वोत्तम संभव चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए। एनएचआरसी ने कहा कि आयोग राज्य सरकार द्वारा दी जा रही राहत और पुनर्वास के बारे में जानना चाहती है, साथ ही इस सामाजिक बुराई को पूरी तरह से खत्म करने के मद्देनजर समूचे राज्य में अवैध शराब बनाने के स्थानों को नष्ट करने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वो इसके बारे में भी जानना चाहती है। देखिए मैंने कहा अभी कि जानना जरूरी है और उसी तरीके की बात की जा रही है कि सरकार जहां चल रहा है बिहार में, सरकार के नाक के नीचे से ही चल रहा है और यही तमाम बातें जानने की कोशिश की जा रही है कि कैसे, कहां और किस तरीके से ये चल रहा है। क्योंकि बिहार में नियमित अंतराल पर ऐसी घटनाएं होती रहती है। अधिकारियों के बयान के एनएचआरसी ने सौरभ जहरीली शराब कांड मामले में बिहार सरकार और राज्य पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है। देखिए अभी एनएचआरसी की पूरी बातें चल रही है, नोटिस जारी किया गया है उधर से सरकार के लिए। गौरतलब है कि अप्रैल 2016 में बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई थी 2016, और अभी चल रहा है 2022 और मौत का आंकड़ा है 60 अभी के रिपोर्ट में। एनएचआरसी ने पाया कि इस प्रतिबंध के कार्यान्वयन में त्रुटियां रही हैं। आयोग ने बयान में कहा कि जाहिर तौर पर हाल ही में हुई ये घटना राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध को लेकर राज्य सरकार की नीति को लागू करने में उसकी नाकामी का संकेत देती है। ये बात सिर्फ एनएचआरसी नहीं कह रही है बल्कि सभी लोग कह रहे हैं, सभी दलों के नेता कह रहे हैं, आम जनता कह रही है।
इस तरह NHRC की नजरों में भी शराबबंदी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कड़ी नाकामी है। अब देखना यह है कि NHRC इस जांच में क्या रिपोर्ट पेश करती है। पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। ये फिलहाल की रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ यानी कि रमजी लाइव के साथ जुड़े रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, खबरें शेयर करें, अच्छी लगती हो तो लाइक करें, और नीतीश सरकार की जो शराबबंदी जो फेल हो रही है इस पर आप क्या राय देना चाहते हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।